हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रिया डोगरा एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक इंटर्नशिप प्रोग्राम। जिस इंटर्नशिप प्रोग्राम की आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम एट माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम किसके लिए एलिजिबल है। जो स्टूडेंट्स अपना करियर बनाना चाहते हैं रिसर्च में, इंजीनियरिंग में, या वो बनना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर, तो आप इस फेलोशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। जो इस फेलोशिप प्रोग्राम के एलुमनाइज हैं उन्होंने ऑलरेडी PhD प्रोग्राम्स ज्वाइन कर लिया है यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि MIT, स्टैनफोर्ड। कुछ ने तो अपनी कंपनीज भी स्टार्ट कर ली है जैसे कि एवरवेल, कैपिलरी एंड ओला, और कुछ एलुमनाइज इन्हीं के साथ काम कर रहे हैं एट माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। सो ये आप देख सकते हैं कि इनके एलुमनाइज हैं, आपको भी इसी तरह के मौके यहाँ पे दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट्स हु हैव कम्प्लीटेड BS, BE, BTech और MS, ME, MTech इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड एरियाज, और जो कि ग्रेजुएट होने वाले हैं बाय समर 2021, यू गाइज आर एलिजिबल फॉर दिस फेलोशिप प्रोग्राम। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं, सो आई एम वेरी सॉरी, आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए हैं जो कि अभी जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है या जो अपकमिंग ईयर समर 2021 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, उन्हीं के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर मैं रोल्स की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव टू स्पेंड 1 or 2 years एट माइक्रोसॉफ्ट विद द डिफरेंट रोल्स। जो रोल्स आपको यहाँ पे ऑफर किए जाएंगे वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। यू हैव टू सॉल्व डीप थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स, देन डिज़ाइन न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यू हैव टू वर्क इन रूरल इंडिया। सो इसी तरह के आपके पास जो है कुछ रोल्स यहाँ पे रहने वाले हैं जो कि मेंशन किए गए हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की। सो एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे लास्ट डेट बताई गई है January 15, 2021। सो दिस इज़ द डेडलाइन फॉर एप्लीकेशन। इससे पहले पहले आपको एप्लीकेशन यहाँ पे फिल आउट करनी पड़ेगी। एंड ऑफर्स एक्सटेंडेड टू द एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स की भी यहाँ पे डेट्स जो है वो दी गई हैं March and April 2021 तक। यहाँ पे आपको जो है वो एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड रिसर्च फेलोशिप स्टार्ट कब होने वाली है, ये स्टार्ट होगी July 2021 पे। सो ये इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अब मैं बताना चाहूँगी आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होंगे वाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक आपका रेज्यूमे आपको यहाँ पे इंक्लूडेड है, जो कि आपको ऑब्वियसली जब भी आप किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, रेज्यूमे इज़ मस्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे एक RF इंटरेस्ट फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा, उसकी टेक्स्ट फाइल यहाँ पे दी गई है। सो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसकी टेक्स्ट फाइल यहाँ पे खुल के आ जाएगी। सो यहाँ पे आपके पास जो है वो ऑप्शंस दिए गए हैं, बस ये जो आपके पास यहाँ पे डैश वाला कॉलम है यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है। आप क्या कीजिए, इस फाइल को आप किसी टेक्स्ट की फाइल में ओपन कर लीजिए एंड देन आफ्टर आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसे नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे कि क्या आपका करियर गोल है फॉर द फ्यूचर। देन आप देख सकते हैं एक ब्रीफ समरी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए जिन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है, या इधर अभी आपने कोई प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया है। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, डू इट क्विकली, बिकॉज यहाँ पे जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया होगा उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं फॉर द एक्सेप्टेंस। अब बात करते हैं कि कैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो अप्लाई के लिए आपके लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, आपके पास लिंक दिया गया है MSRIRF एप्लीकेशन पेज, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, आपके पास जो है इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अप्लाई नाउ का बटन दिया गया है, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और इससे नीचे अगर आपकी इंस्ट्रक्शंस की मैं बात करूँ तो वो आप देख सकते हैं जो कि हमने पहले ही बात कर ली। सो आप अगर एप्लीकेशन फिल आउट कर रहे हैं, मैं आपको ये बोलूँगी एक बार फिर से आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ लीजिए। तो ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सो अगर आपका अकाउंट है माइक्रोसॉफ्ट या लिंक्डइन या फेसबुक या गूगल में तो आप बहुत आराम से यहाँ पे साइन इन कर पाएंगे। साइन इन के बाद आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपना अपलोड करना पड़ेगा रेज्यूमे, और आप अप्लाई कर सकते हैं विद लिंक्डइन। तो आप अपना रेज्यूमे यहाँ पे अपलोड कर लीजिए एंड देन आफ्टर यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू विद एप्लीकेशन। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं
रेज्यूमे के नीचे ही आपके पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन दी गई है, योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, योर टाइटल, योर ईमेल आईडी, योर फ़ोन नंबर, आप देख सकते हैं योर स्ट्रीट एड्रेस, ये आपसे पूछा गया है, योर वेबसाइट इफ़ इट एग्जिस्ट, आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट भी मेंशन कर सकते हैं, इससे आपका आपने वर्क किया है वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी नेम, जॉब टाइटल, अगर आप करंटली कहीं पे वर्क कर रहे हैं सो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा विद अ डिस्क्रिप्शन। एजुकेशन, आपके पास यहाँ पे डिटेल्स मांगी गई है, योर स्कूल, योर कंट्री, योर ईयर्स अटेंडेड, जब जब आपने अपना स्कूल जो है ये 10th या प्लस 2 आपने अटेंड की है सो वो आपको यहाँ पे अपना लेवल ऑफ एजुकेशन एंटर करके आपको अपना ईयर भी यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, स्किल्स वो भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। देन आफ्टर यू हैव टू अटैच योर डॉक्यूमेंट्स, आप अपने रिज्यूमे यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, इधर अगर आपके कोई और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे गए हैं सो वो आपको यहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको ये दोनों चेकबॉक्स पे आप क्लिक कीजिए एंड यू कैन अगेन कंटिन्यू विद द एप्लीकेशन। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं, इसी तरह से आप इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये रही इस इंटर्नशिप प्रोग्राम की सारी डिटेल, बाकी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पे आपको इन डेप्थ इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी और कैसे आप इसके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड कि कैसे आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर वीडियो पसंद आई है सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड इफ़ यू गॉट एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।